हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द क्यूरियस मदर। मैं हूं सुमन और आज हम बात करेंगे कि हमें हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमें अपने हॉस्पिटल बैग को कब पैक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ड्यू डेट थी 13 जून की, लेकिन मेरी डिलीवरी 13 मई को हो गई थी, यानी कि समवेयर 2 वीक्स पहले। तो जो डॉक्टर्स आपको डेट देते हैं वो बेस्ड ऑन LMP होती है, तो इसलिए 36th या 37th वीक में अगर आप हैं तो दिस इज द परफेक्ट टाइम जब आप अपना और अपने बेबी का हॉस्पिटल बैग बिल्कुल आराम से पैक कर सकते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से सोच के कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना। वैसे तो आजकल हॉस्पिटल्स एक चेकलिस्ट देते हैं जिसमें सब लिखा रहता है कि आपको क्या क्या लेके आना है अपने हॉस्पिटल बैग में। मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा था। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब भी बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है। हमें उसके लिए जो भी चीजें लेनी है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो आपके मिटन्स हो, कैप्स हो, बूटीज हो, कुछ भी आप लेंगे वो प्लीज आप ये चेक कर लीजिए कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, बिकॉज कुछ भी ऐसा हार्श आप लेंगे उसके लिए तो उसकी वजह से बेबी की बॉडी में रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है और बेबी बहुत परेशान होगा। और मैं नहीं सोचती कि कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे परेशान देख सकती है, इसीलिए प्लीज जब भी आप मार्केट से या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हैं अगर, तो कहीं से भी आप कपड़े ले रहे हैं तो उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और डिटॉल के पानी में निकाल लीजिए, फिर उसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दीजिए और फिर आप उसको प्रेस करके बिल्कुल मस्त में पैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कॉटन इनरवेयर। आप अपने बेबी के लिए जो भी वेस्ट लेंगे वो प्लीज थोड़ा देख लेना वो भी सॉफ्ट हो। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सारे कपड़े जो भी आप लें वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। इनरवेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बेबी की बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे और हमें ये खास ध्यान रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी के हों। तो आप जो भी वेस्ट लेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके टॉप्स और पैजामास। तो टॉप्स जो भी आप लेंगे, मेरा बेबी क्योंकि गर्मी में हुआ था तो मैंने उसके लिए कुछ स्लीवलेस और हाफ स्लीव लिए थे, तो एक मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ इस तरह का लिया था, ये स्लीवलेस है और बीच में से ये बटन्स वाला है। बच्चों के लिए जो बटन्स वाले टॉप्स होते हैं वही बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो आराम से आप पहना सकते हैं। अगर आप बिना बटन वाले लेंगे तो उसे गले से डालना पड़ेगा और वो बहुत रोते हैं उस टाइम पे। तो आप बेस्ट रहेगा कि आप जो भी टॉप्स लें वो बटन्स वाले लें, इस तरह के हो, या फिर आप जो साइड बटन्स होते हैं, साइड में जिनके बटन्स होते हैं, उस तरह के टॉप्स लें ताकि जो बेबी की नाभि होती है उसमें वो बार बार बटन्स वगैरह लगे ना और उन्हें परेशानी ना हो। बेटर रहेगा आप साइड बटन्स वाले टॉप्स लें और पैजामास आप कोई भी ले सकते हैं। जो भी आप लें वो ध्यान रखें कि वो अच्छी क्वालिटी के हो और बहुत ही सॉफ्ट। अब बात करते हैं कॉटन नैपीज की। कॉटन नैपीज मैंने अपनी बेबी के लिए कुछ इस तरह की ली थी, इस शेप की। ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा कॉटन का कपड़ा लिया था मैंने। लेकिन जब मैंने उसे पहनाया उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि बेबी का जो फ्रंट पार्ट है वो अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसका शेप जो है वो ट्रायंगल है, बिल्कुल इस तरह का है। फिर उसके बाद जो है मैंने इस डिजाइन में लिया, इस तरह का, इस डिजाइन का लिया। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो इसकी लेंथ है और जब हम इसे फोल्ड करते हैं इस तरह से, क्योंकि हम अपने बच्चे को पहनाते हैं, तो ये जो पार्ट है इसका ये भी चौड़ा है तो उसका फ्रंट पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप इस तरह की कुछ नैपीज लें जो कि कंफर्टेबल भी हो और अच्छे से सब कवर अप हो जाए। आप लोग डायपर्स भी पहना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आपको लोग जज भी करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बेबी के लिए कंफर्टेबल डायपर्स रहेंगे तो आप डायपर्स पहनाएं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप बेबी को अपने कॉटन नैपीज पहनाएं बिकॉज वो सॉफ्ट होती है, अच्छी होती है। डायपर्स से कभी कभी रैशेस भी होते हैं तो फिर बेबी को प्रॉब्लम होगी, तो इट्स बेटर कि यू गो फॉर कॉटन नैपीज। तो चौथे नंबर पे है हमारे वाइप्स। एक पैक मैंने वाइप्स का भी रखा था। वाइप्स आप वेट वाइप्स रखिएगा, बेबीज के लिए बहुत से वेट वाइप्स आते हैं, आप कोई सा भी एक अच्छा सा अच्छे ब्रांड का ले लीजिए। इस तरह के कुछ वो वाइप्स होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इनसे अच्छे से आराम से क्लीन कर सकते हैं क्योंकि ये वेट होते हैं तो आपको
गीला कपड़ा करने की जरूरत नहीं है, बार बार गीला करो या कुछ करो, इन्हें आप अपने बैग से निकालिए और आराम से क्लीन करके एंड यू कैन एंजॉय इट। तो अब नेक्स्ट है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट आप अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा हल्का ले सकते हैं, और अगर सर्दी है तो अच्छा खासा आप गर्म ब्लैंकेट ले लीजिए, क्योंकि बेबी जब पैदा होता है उसे फर्स्ट बार देते हैं डॉक्टर्स, तो उसके बाद हमें ध्यान रखना होता है कि बेबी को हम अच्छे से कवर अप कर ले। तो आप अगर ज्यादा गर्मी है तो इस तरह का कुछ हल्का सा ब्लैंकेट ले सकते हैं, ये बिल्कुल हल्का सा है, और अगर सर्दी है तो थोड़ा मोटा ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्विक ड्राई शीट। इस तरह की कुछ ही क्विक ड्राई शीट होती है, ये बहुत अच्छी है, ऊपर से ये इस तरह की होगी और नीचे प्लास्टिक, तो जो भी बेबी सुसू करता है वो आराम से सोख लेता है, तो आप एक रख लीजिए इनफ होगी। तो नेक्स्ट है बिब्स की। मैंने अपने बेबीज के लिए कुछ 4-5 बिब्स इस तरह के रख लिए थे, ये बहुत यूजफुल होते हैं, इस तरह से आप बेबी के लगाएंगे तो जब भी बेबी दूध पीता है या फिर दूध पीता है अगर गिर जाता है या फिर वॉमिट करता है तो वो आपका इसमें गिर जाएगा और आप इसे चेंज कर सकते हैं आराम से, तो 2-3 आप ये भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके मिटन्स। मिटन्स बेसिकली कुछ नहीं, ग्लव्स होते हैं, बस उसमें फिंगर्स नहीं होती, जो बेबी के हैंड्स हैं वो अच्छे से कवर अप करने के लिए होते हैं, क्योंकि बेबीज के नेल्स वगैरह बड़े होते हैं तो बार बार अपने फेस पे हाथ मारते हैं तो उससे स्क्रैचेस वगैरह हो सकते हैं, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस आप उसको मिटन्स या आप कुछ भी कह सकते हैं ग्लव्स पहना सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सॉक्स। आप 2-3 पेयर सॉक्स के रख लीजिए, सॉक्स भी बहुत यूजफुल है क्योंकि कभी भी टेम्परेचर ठंडा गर्म होता है और सबसे जल्दी जो आपको कोल्ड होता है तो वो पैरों से ही होता है, इसीलिए बेटर है कि आप उसके पैर भी अच्छे से कवर अप करें, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में सिर्फ 1 या 2 दिन रुकना पड़ेगा अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी, और सी सेक्शन होगा तो 3 से 4 दिन रुकना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से 3 या 4 पेयर रख लीजिए अगर सी सेक्शन है, और नॉर्मल है तो 1 या 2। नेक्स्ट है बेबी का टॉवल। आप एक छोटा टॉवल भी रख सकते हैं बिकॉज बेबी को सिर्फ एक ही बार वो नहलाते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद आप बेबी को नहीं नहलाते हैं, इसीलिए बेबी की टॉवल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन उसी टाइम पड़ेगी, इसलिए आप एक टॉवल रख लीजिए इनफ है। और नेक्स्ट है कैप्स। आप बेबी की 2 टोपी रख लीजिए, क्योंकि जब बच्चे को नहलाते हैं उसके बाद उसे पूरा अच्छे से कवर अप करना होता है, तो कैप भी बहुत जरूरी है, आप उसको कैप भी पहनाएंगे, ग्लव्स पहनाएंगे, सॉक्स पहनाएंगे, सारा अच्छे से कवर अप करना होता है, इसलिए कैप भी रख लीजिए। तो ये थी हमारी बेबी की लिस्ट। अब बात करते हैं कि ममा के बैग में क्या होना चाहिए। तो ममा के बैग में सबसे पहले होना चाहिए मैक्सी ड्रेसेस, बिकॉज डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी बहुत वीक रहती है, हमें चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबल और लूज से कपड़े हो, तो आप कोई भी मैक्सी ड्रेसेस या फिर नाइट गाउन टाइप पहन लीजिए, और आप ये भी कर सकते हैं जो भी आपकी बहुत लूज सी टी शर्ट है उसको आप अगर उस टी शर्ट में यहाँ पे आप चेन लगवा लीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने जो भी मेरे पुराने प्रेगनेंसी के कपड़े ही थे उन्हीं को मैंने रीयूज किया, उन्हीं को बस मैंने चेन लगा दिया। यहाँ से चेन लगाना इज वेरी यूजफुल बिकॉज आप उस टाइम आराम से चेन खोलो और अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरगार्मेंट्स। अंडरगार्मेंट्स आपको बहुत चाहिए होंगे, तो कम से कम 6-7 पेयर्स आप रख लीजिए, उस टाइम बहुत काम आएंगे। एक हैंड टॉवल रख लीजिए, सैनिटरी नैपकिन रख लीजिए 10-12, एक सैनिटाइजर जो आजकल के टाइम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मोटी सी बेडशीट भी रख लीजिए, बिकॉज जब मेरी डिलीवरी हुई थी डिलीवरी के बाद एकदम से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने एक मोटी सी बेडशीट भी रखी हुई थी, तो मैंने उससे अपने आप को कवर कर लिया था अच्छे से, और कुछ देर के बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। तो आप एक ब्लैंकेट या बेडशीट कुछ भी अपने साथ रख सकते हैं, और एक पाउच रख सकते हैं जिसमें आप अपनी छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं, जैसे हेयर क्लिप्स हो गए, आपका क्लचर हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, आपका लोशन, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप रख सकते हैं अपने साथ। डिलीवरी के बाद यूजुअली वो नहाने के लिए अलाउ नहीं करते, इसीलिए सोप शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती, बट इन केस आपको जरूरत पड़ जाए तो आप छोटे छोटे पाउचेस में अपने शैम्पू रख सकते हैं। लूज मैक्सी ड्रेसेस के साथ आप नर्सिंग ब्रास भी रखिए, नर्सिंग ब्रास आप 2 रख सकते हैं, इट्स बेटर कि आप फ्रंट ओपन वाला रखिए, क्योंकि फ्रंट ओपन वाला रहेगा तो आप बेबी को इजिली फीड कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज स्टोल। स्टोल अगर आपके पास होगा तो आप उसे अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, हॉस्टल में काफी लोग आते हैं आपसे मिलने आपके बेबी को देखने, तो अगर आपका बेबी को उसी टाइम भूख लग गई तो आप अच्छे से उसको कवर अप करके आराम से फीड करा सकते हैं। तो ये थी हमारी मदर्स के लिए हॉस्टल बैग की लिस्ट। बेटर है आप ट्रॉली बैग ले जाएं बिकॉज उसको कैरी करना बहुत इजी होता है, उसमें आराम से आपका सामान और आपके बेबी का सामान आ जाएगा कंफर्टेबली। बैकपैक्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उठाने के लिए, तो इट्स बेटर कि आप ट्रॉली बैग लें।
तो ये थी हमारी हॉस्टल बैग की लिस्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे जल्दी शेयर करूंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।